वेलकम टू अनदर वीडियो ऑन द चैनल। वेल, आज मैं ये कार आपको दिखा रहा हूँ। तो ये कार मैं क्यों दिखा रहा हूँ? वेल दोस्तों, ये बहुत ही स्पेशल कार है। ये मेरी फर्स्ट कार है। इसका साउंड है ना ऐसा मसल कार, एकदम लाइक स्पोर्ट्स कार आता था एकदम, फायरिंग का वो रहता है ना, लाइक बुलेट शॉट्स। जितने भी बार ये गाड़ी हाईवे पे गई है, ओ माई गॉड, माइंड ब्लोइंग, ऑलवेज इम्प्रेस्ड। ऐसे ऐसे टाइम आया कि स्कोडा वोडा की गाड़ी होती थी, फोक्स वैगन एंड ऑल, उसको भी सो गूगल अगेन टोल्ड मी द रॉन्ग रूट। वेयर यू आर टेकिंग मी? इन द वाटर। Oh my God! Oh, whoa, 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 whoa! He's coming. Jaldi kholo, bhai. Whoa! सिर्फ हमें श्रीनाथ जी पहुंचना है। ड्राइविंग थ्रू द हिल्स ऑफ राजस्थान। उदयपुर के लिए तो दोस्तों, ये कार है फोर्ड आइकॉन विद अ 1.3 लीटर इंजन। एंड इसको आप देखिए सामने से कि कैसे दिखती है आपको। जस्ट राइट इन द कमेंट सेक्शन कि आपको कैसे लगती है ये सामने से गाड़ी। अभी आजकल कैसे मोस्ट ऑफ द कार्स दे हैव दीज वियर्ड शेप्स इन द फ्रंट, ऐसा आगे पीछे अच्छे वो बना सकते हैं, लेकिन दे ट्राई टू गो ओवर द टॉप। लेकिन ऐसी ये गाड़ी ऐसी है ना कि इट इज़ द वे द अ कार शुड बी, जस्ट द वे लाइक अ टेस्ला इज। यानी टेस्ला अभी इलॉन मस्क कैसे ही कैन गो ओवर द टॉप designing those cars, but he stays simple because what matters is what's inside the car, right? वैसे ये कार है कुछ, इसकी डिज़ाइन जो है, ये कार है 2007 का मॉडल। ऐसे भी नहीं लगता कि एकदम ही आउटडेटेड है या कुछ, आपको एक ऐसे फीलिंग आती है, हाँ यार इट लुक्स क्यूट। आज के टाइम में मैं यही बोलूँगा, इट लुक्स क्यूट। ऑल दो जब ये एक्चुअल में मार्केट में आई थी तब इसको जोश मशीन के नाम से बोलते थे, बिकॉज रियली दिस कार performs really well on all kinds of roads, और उसके बारे में मैं आपको बताऊंगा थोड़ी देर में। यहाँ पीछे आपको इसके फीचर्स थोड़े बता देता हूँ। दीज टेल लाइट्स, दीज आर वेरी सिंपल, ज़्यादा ओवर द टॉप नहीं। तो दिस इज़ वॉट आई लाइक अबाउट कंपनीज लाइक फॉर्ड, बिकॉज वो लोग ज़्यादा गाड़ी के साथ खेलते नहीं है। वॉट एवर दे डू इट इन साइड द कार, यानी वो जो इंजन है उसके ऊपर वो लोग ज़्यादा काम करते हैं। वैसे परफॉर्मेंस एंड ऑल वो चीज़ों पर वो ज़्यादा फोकस करते हैं, अपनी जो बिल्ड क्वालिटी है उसके ऊपर ज़्यादा फोकस करते हैं।
एस्थेटिक या कॉस्मेटिक चीज़ों पे वो ज़्यादा फोकस नहीं करते। वो एक अच्छी बात भी है और एक बुरी बात भी है थोड़ी, लेकिन ज़्यादातर अच्छी बात है। तो अभी मैं आपको यहाँ पे नीचे ये दिखा देता हूँ। तो ये जो कैमरा है, दिस कैमरा आई हैव फिटेड इट माई सेल्फ, अब तक वो चल रहा है, दैट इज़ अ वेरी नाइस थिंग। अभी मैंने जब ये कार ली थी दैट टाइम दिस आई डायरेक्टली बॉट अ सेडान कार, ऐसे नहीं पहले लोग हैचबैक लेते हैं, ऐसे छोटी गाड़ी लेते हैं, लेकिन मैंने थोड़ी काफ़ी साइज में बड़ी गाड़ी ली। तो मुझे पार्किंग में ज़्यादातर मुंबई में कैसे रहता है कि यू हैव टू पैरेलल पार्क, यानी दो बसेस के बीच में या दो गाड़ी के बीच में, यू नो यू कैन नॉट हैव पीपल टू हेल्प यू अराउंड ऑल द टाइम। तो ये तो पार्किंग कैमरा, रिवर्स पार्किंग कैमरा इज़ अ वेरी इंपॉर्टेंट एडिशन एंड दिस रियली हेल्प मी थ्रू ऑल दीज ईयर्स। ये गाड़ी में बहुत अच्छे से चल रहा है अब तक भी। ये थोड़ा सा ज़बरदस्ती लगाया है ऐसे लगता है, वो वैसे है एक्चुअल में, क्योंकि क्या है ना यहाँ पे थोड़ा सा एक स्क्रैच आया था, ये थोड़ा सा बम्पर में यहाँ पे क्रैक जैसे था, तो मैंने उसको उसके ऊपर लगा दिया है थोड़ा सा, तो थोड़ा सा मैच होने के लिए वो साइड भी लगाया। एंड इन एडिशन टू दैट थोड़ा सा ये सेफ्टी फीचर क्या है, कितना आवाज़ है, ऐसा लगा टेम्पो गया, वो डुकाटी की बाइक थी, मल्टी स्ट्राडा आई थिंक। तो ये जो है थोड़ा सा सेफ्टी के हिसाब से भी बहुत अच्छा है, रात को इतना इसका यू नो रिफ्लेक्टिव होता है इसका कि इट्स वेरी नाइस, टेल लाइट्स नहीं रहे तो भी इसका फ़ायदा बहुत ज़्यादा है। तो ऐसी कुछ दिखती है यहाँ पे गाड़ी पीछे के इसके फीचर जैसे, और ये यहाँ पे इसका बूट ओपन करने का जगह, क्रोम आइकॉन बैज, फोर्ड बैज हियर, योर फ्लेयर बैज देयर। अदर देन दैट व्हेन यू लुक एट द क्वालिटी ऑफ द बूट ना, इट इज़ जस्ट नॉट लाइक the other cars which you see, because here you get thicker kind of sheet metal that is used in the car, so iske wajah se na ye gaadi bahut strong ban jati hai. Are ha ye grill ke bare mein bataya nahi aapko main, ye grill bhi mujhe bahut acha lagta hai, this is a very nice addition, simple elegant, and you have your Ford ka badge right there, and headlights are also very nice, inka throw kafi acha hai, and It's better than most of the cars. I'm not talking about projector headlights. These are like standard halogen headlamps, but still they are very nice. So ये थोड़ा सा इसमें अभी with age ये थोड़े से fade जैसे हो गए, लेकिन वो correct हो सकता है। ये wipers ये थोड़े से change मैं कर सकता हूँ, ये थोड़े से अभी क्या है ना, मैं आई वॉट अ न्यू कार, तो ये कार मैं ज़्यादा चलाता नहीं हूँ, तो इसी वजह से इसके ऊपर मेरा ध्यान अब इतना ज़्यादा जाता नहीं है। जब basic चीज़ें हैं वो मैं इसके ऊपर करता हूँ। ये मिरर्स है, अभी आजकल कैसा है ना, यू हैव दीज ऑटोमेटेड एंड ऑटोमेटिक मिरर्स विच फोल्ड, बट दीज आर वेरी नाइस स्पेशली फॉर मुंबई ट्रैफिक, बिकॉज होता क्या है ना, व्हेन यू आर इन ट्रैफिक विच इज़ मोस्ट ऑफ द टाइम इन मुंबई, साइड से कोई बाइक चली गई तो ये टूट जाता है, या फिर वो साइड में इंडिकेटर लाइट रहती है यहाँ पे वो भी टूट जाती है, तो उसके वजह से आपको क्या क्या बदलना पड़े, बस बहुत मगजमारी रहती है। एंड इन इफ़ द मोटर एंड ऑल उसका कुछ लफड़ा हुआ तो वो तो बहुत बड़ा फटका पड़ता है, ऑलमोस्ट मैंने सुना है 8,000-10,000 के भी एक एक मिरर आते। तो ऐसे में जो मैनुअल मिरर्स है ना, दीज आर द बेस्ट, इसमें आपको ये अगर टूट भी गए तो भी आपको ये आसानी से लाइक 1500-1400 में मिल जाते हैं, कभी कभी मेरे को तो ये तो मैंने 700 का लिया, आप सोचिए। तो दिस इज़ द यूज़ ऑफ दिस, थोड़ा ऑस्मेटिकली इट इज़ नॉट दैट ग्रेट, बट इट सर्व्स द पर्पज इफ़ यू आर थिंकिंग ऑफ गेटिंग दोज ऑटोमेटिक मिरर्स, देन ये आप सोचिए, बिकॉज दिस इज़ थोड़ा सा लुकिंग फॉरवर्ड, उसके हिसाब से मैं आपको बता रहा हूँ। बाकी तो इट ऑल डिपेंड्स अपॉन द ट्रैफिक इन योर एरिया ऑल्सो, नाउ मुंबई इज़ अ प्लेस ऑफ वेरी हैवी ट्रैफिक, तो ऐसे एरिया में आपको ये ऐसे मिरर्स होंगे तो ज़्यादा अच्छा है आपके लिए और आपके पॉकेट के लिए। वैसे भी ज़्यादा टाइम आपको इसको बंद खोलना बंद करना वो आपको नहीं लगता ऑब्वियसली, राइट? तो ऐसे आपको मैनुअल रहेगा तो इट मेक्स मच मोर सेंस, एंड इट इज़ मच मोर easier on your pocket in case anything gets damaged. So anyways, अभी एक गाड़ी खोल दी है। By the way, आपको मैं इसका साउंड सुनाता हूँ, अभी साउंड आएगा कि नहीं पता नहीं, पहले सब कार्स जाने दो। हाँ, अभी मैं बंद करता हूँ, आप सुनिए थर्ड कैसा है इसका, ये ऐसा है वापस। सो दिस इज अ वेरी सेटिस्फाइंग एंड होलसम थर्ड, एंड जस्ट लिसनिंग टू दैट यू विल अंडरस्टैंड वॉट काइंड ऑफ बिल्ड क्वालिटी द डोर हैज। नाउ व्हेन यू लुक एट द डोर ऑल्सो ना, the door also feels like substantial, it has thick sheet metal, तो ये मैंने आपको पहले ही बताया। ये आप देखिए यहाँ पे टायर का इन्फॉर्मेशन है, 175/70 R13, 155/80 R13, ऐसे सब इसका जो प्रेशर आपको रखना है वो सब इसके डिटेल्स यहाँ पे पीछे दिए हुए है। तो ऐसे और मैं कुछ भूल रहा हूँ क्या? हाँ, अभी मैं सोच रहा हूँ कि आपको इंजन पे अभी दिखा देता हूँ। चलो मैं इसका
इंजन बे खोल देता हूँ। ये मैंने खोल दिया इंजन बे एंड ये इसका इंजन बे है। सो सी आई नो कमेंट्स आ सकते हैं कि ये बहुत ही गंदा है, ये है, वो है, बट दोस्तों ये एक रीज़न है कि मैं इसको ज़्यादा हाथ नहीं लगाता हूँ। यू कैन क्लीन इट, वो मेरी गलती है कि मैंने इसको ऐसे अच्छे से कपड़े से क्लीन नहीं किया। कपड़े से मैं क्लीन कर सकता हूँ, लेकिन वो जो प्रेशर वॉश है वो मैं इसके ऊपर नहीं कर सकता हूँ। बिकॉज़ क्या है ना, इस गाड़ी के जो सेंसर्स है वो अभी मिलते नहीं है या फिर मिलने को बहुत मुश्किल है, और मिले तो भी इसका कॉस्ट बहुत ज़्यादा रहता है, ऑलमोस्ट लाइक 4 times 5 times कॉस्ट वो लोग सेकेंड हैंड, आई एम नॉट टॉकिंग अबाउट द ओरिजिनल सेंसर्स, वो जो मतलब गाड़ी टूट के आती है एंड ऑल, वो बहुत मैं आपको समझाऊंगा, वो बहुत ही एक हेडेक है। तो इसी वजह से आई ट्राई नॉट टू पुट एनी वाटर यानी प्रेशर वॉश ये वो ऐसे, क्योंकि ये साफ करने का असली तरीका वही है प्रेशर वॉश, एंड आफ्टर डूइंग प्रेशर वॉश देन ओनली इट विल लुक वेरी क्लीन। वो मैंने वक्त करता हूँ, लेकिन साल में एक बार ऐसे मैं वो करने की कोशिश करता हूँ, लेकिन अभी फ़िलहाल तो मैं ऐसे ही उसको हाथ से यानी क्लॉथ और समथिंग उससे मैं क्लीन करने की कोशिश करता हूँ। तो ऐसे ही, तो ये रीज़न है कि मैं इंजन को यानी वो जो यहाँ पे वाटर जाने को मैं देता नहीं हूँ। आई ट्राई टू कीप इट यू नो एज इट इज़ एंड या सो ये रीज़न है। बाकी आप देख सकते हो इंजन फोर्ड का रोकैम इंजन है एंड यहाँ पे क्या क्या कहाँ पे है वो दिखा देता हूँ आपको। ये बैटरी, ये यहाँ पे एयर फिल्टर एंड यू हैव योर कूलेंट राइट देयर। ये जो चीज़ है यहाँ पे दिस राइट हियर वो अल्टरनेटर है। बाकी तो ये है एंड देयर इज़ दिस फाउंडेशन आल्सो, ये भी बहुत इंपॉर्टेंट है अपने कार, ये कार में मैं ये क्यों दिखा रहा हूँ आपको, बिकॉज दीज आर द थिंग्स दैट विल गो रॉन्ग एट सम पॉइंट ऑफ टाइम इनकेस यू हैव अ ओल्ड कार और इन केस यू हैव अ फोर्ड आइकॉन। तो ये फाउंडेशन जाता है, इसमें एक रबर का ये रहता है, क्या बोलते हैं उसको, बॉर्डर, तो वो क्रैक होता है एंड यू हैव टू रिप्लेस दैट, और ये भी इजीली आपको मिलता नहीं है। एंड इवन द अल्टरनेटर आपको सेकंड हैंड ही मिलता है एंड दैट इफ यू गो टू बाय राइट नाउ इट विल कॉस्ट यू अराउंड 8,000 to 9,000 फॉर सेकेंड हैंड अल्टरनेटर। तो ये ऐसे इसका खर्चा है गाड़ी में। ओरिजिनल पार्ट्स आर वेरी डिफिकल्ट टू कम बाय, इवन द लाइक द फ्यूल इंजेक्टर्स एंड ऑल, यू हैव टू मेंटेन दिस कार अ लॉट। दीज फॉग लैम्प्स राइट हियर, ये फॉग लैम्प्स तो कुछ काम के नहीं, अभी वो टूट गए। ओरिजिनल फॉग लैम्प्स इस कार के आई थिंक 8-9 years के बाद वो क्रैक हो गए थे और मैंने फिर दूसरे लगाए तो वो भी नहीं रहे, तो उसके बाद मैंने लगाया ही नहीं ऐसे। तो ये कार के जो ओरिजिनल फॉग लैम्प्स आते थे वो अभी मिलते नहीं है, बट मिले तो अच्छा है, लेकिन जो इसके अभी रिप्लेसमेंट आते हैं वो बहुत ही बैड क्वालिटी के रहते हैं, दे आर नॉट द ओरिजिनल फॉग लैम्प्स दैट यू गेट, इसी वजह से वो टूटते हैं। लेकिन ओरिजिनल फॉग लैम्प्स दे आर लाइक वेरी गुड, मेरे पास ओरिजिनल फॉग लैम्प्स है, लेकिन प्रॉब्लम है उसकी जो लाइट है वो ख़राब है, उसकी जो ग्लास है वो एकदम हाई क्वालिटी ग्लास है, वो टूटता नहीं है, लेकिन नए फॉग लैम्प्स जो आते हैं ना उसका ग्लास जल्द से जल्द जो टूट जाता है रस्ते का कोई पत्थर वत्थर लग के। तो दिस इज़ द काइंड ऑफ बिल्ड क्वालिटी ऑफ द कंपोनेंट्स विच यू गेट विद दिस कार। हेडलाइट हो गई, फॉग लैम्प्स हो गए, सिर्फ थोड़े से इलेक्ट्रिकल प्रॉब्लम्स आते हैं तब आपको चेंज करना पड़ता है, उसके बाद यू नो यू हैव टू पुट दीज आफ्टर मार्केट या सो कॉल्ड चाइनीज प्रोडक्ट्स, तो वो सब एकदम डिफेक्टिव रहते हैं। तो यही एक ख़राब चीज़ है गाड़ी के बारे में कि आपको इसका सामान है ना वो इजीली मिलता नहीं है, और जो मिलता है वो सब चाइना मेड रहता है एंड दैट इज़ रियली नॉट गुड, वो जल्दी ख़राब हो जाता है और टूट जाता है ऐसे। जो गाड़ी के स्पेयर पार्ट्स कम रहते हैं उसका कुछ ज़्यादा ही आपको केयर लेना पड़ता है। मैंने बहुत कोशिश किया गाइस टू मेंटेन दिस, आई बिलीव मी ऑर नॉट, मैंने इसके ऊपर इतने सारे वीडियोस बनाए, आप मेरे चैनल पे जाके चेक कर सकते हो, यू कैन यू अंडरस्टैंड टू व्हाट लेवल आई हैव टेकन केयर ऑफ दिस कार। बट अभी रिसेंटली क्या हो गया ना, आई हैड टू काइंड ऑफ लेट गो ऑफ सम थिंग्स बिकॉज इट इज़ वेरी फ्रस्ट्रेटिंग टू सी द लीज़। आप जिनके पास ऐसा ओल्ड कार रहती है ना उनको अगर आप पूछोगे स्पेशली अ कार लाइक दिस, दे विल ओनली टेल यू कि क्या मतलब कितना इन्वेस्टमेंट क्या क्या जाता है, इट्स लाइक अ लॉट ऑफ टाइम गोज इनटू इट एंड स्पेशली गेटिंग द राइट काइंड ऑफ मैकेनिक ऑल्सो इज़ अ ह्यूज इशू। तो एनीवेज अभी आई होप आई कवर्ड एवरीथिंग ओवर हियर। अभी मैं आपको इसका इंटीरियर दिखा देता हूँ, बाय द वे ऐसे इसको अंदर जाने का रहता है, देयर इज नो रिमोट लॉक और एनीथिंग, काफ़ी बेसिक है। अभी मैं अंदर जाता हूँ, यहाँ पे हम आ गए अंदर, स्टार्ट करते हैं। या सो दिस इज़ वॉट इट लुक्स लाइक फ्रॉम द इनसाइड। आई एम श्योर कि मैं जब ट्रिप्स पे जाता हूँ तो आपने देखा ही होगा ये सब, लेकिन मैंने आपको कभी ऐसे डिटेल में बताया नहीं कि ये है वो है। स्टार्टिंग में अभी हम इसको पहले
विंडो को नीचे करते हैं. ओके, सिमिलरली फॉर दैट विंडो ऑल्सो. ओके, ऐसे करके यहाँ पे पावर विंडोज है, ऑल फोर विंडोज, एंड यू इवन हैव अ चाइल्ड लॉक. ठीक है, ये लॉक. ऑलराइट, बाकी तो देर इज सेंट्रल लॉकिंग. ये मैं ऐसे इसको दबा दिया तो ऑल द डोर्स विड बी लॉक्ड. सो दैट इज अ गुड फीचर. यू हैव योर एसी ओवर हियर इन दिस कॉर्नर. यू हैव दीज टू आउटलेट्स हियर ऑल्सो, और वहाँ पे एक कॉर्नर में है. अभी 2007 की ये कार है तो ऑब्वियसली उस वक्त तो इधर रियर पैसेंजर के लिए एसी वेसी का कुछ सुविधा नहीं थी, और वैसे इस गाड़ी में उसका कुछ ज़्यादा यूज़ भी नहीं होता था, बिकॉज ये गाड़ी में कूलिंग इतनी अच्छी थी ना कि देर वॉज एब्सोल्युटली नो नीड फॉर अ रियर एसी. कैबिन लाइट ये टूटा इसलिए क्योंकि एक बहुत बड़ा नारियल गिरा था गाड़ी के ऊपर, और तब से ये थोड़ा सा इसका फिटिंग ये हो गया. एंड उसके बाद में मैंने इसको करेक्ट करने की कोशिश नहीं की, जैसे चल रहा है चलने दो, इतना मेरा मैं ज़्यादा इसमें ध्यान नहीं दिया. लेकिन फिर भी इट्स फाइन, मेरे को इतना बॉदर नहीं करता है वो. सनशेड ये एक, और यहाँ पे है जो उसमें मिरर भी है. ओके, नाउ द इम्पॉर्टेंट फीचर ऑफ दिस कार एस्पेशली इन टर्म्स ऑफ टेक्नोलॉजी, वो मैंने आपको थोड़ी देर पहले बता दिया, और वो है मेरा रियर पार्किंग कैमरा. इतना क्वालिटी इतना अच्छा नहीं है, बट इट गेट्स द जॉब डन. आई होप यू कैन सी इट. अभी ये थोड़ा सा ये ब्लूइश हो गया है, लेकिन जब मैंने लगाया था इसको ये एकदम अच्छा, यानी नाइस क्वालिटी. अभी आजकल की कार्स कैसे रहती है वैसे इसका क्वालिटी हुआ करता था, लेकिन ये फिर भी अच्छा है. वैसे तो ये लाइन्स स्टेबल, यानी दे डोंट मूव विद द यू नो स्टीयरिंग. ये लाइन्स वैसे ही है, लेकिन ये काफ़ी अच्छा है, बहुत यूज़फुल मुझे हुआ इतने साल. तो ये अभी इसका थोड़ा सा वो कलर ग्रेडिंग जो है वो थोड़ा सा अभी कहाँ पे थोड़ा सा ब्लूइश जैसे हुआ है, लेकिन ठीक है, वो चलता है. आई कैन सी क्वाइट नाइसली कि पीछे क्या है, कोई ऑब्स्ट्रक्शन है. पार्किंग के लिए बहुत अच्छा है, तो इसको मैं अभी बंद कर देता हूँ. एंड तो ये है गियर नॉब, ये मैंने वैसे ही रखा है. हाँ, इसको ज़्यादा कुछ चेंज नहीं, बहुत लोग ऐसे चेंज करते हैं इसको मॉडर्न दिखने के, बट आई हैव केप्ट इट स्टॉक. तो इसका क्या है ना, इसका थ्रो है वो आजकल की कार्स के कंपैरिजन में काफ़ी लंबे थ्रोज है. वो मुझे अच्छा भी लगता है क्योंकि इट गिव्स यू अ काइंड ऑफ अ मसल कार काइंड ऑफ फीलिंग. आपको ऐसा, इट्स ऑल अबाउट द फीलिंग अल्टीमेटली व्हेन यू नो ड्राइव अ कार लाइक फोर्ड, यू नो. तो ये इसके गियर सिस्टम्स है, एंड लास्ट में ये किया तो रियर पार्किंग. और ये अपना हैंड ब्रेक है यहाँ पे, देर इज़ नो सेंट्रल आर्म रेस्ट. ये इसका आता है, यू कैन ऐड इट बाई गेटिंग इट लाइक आफ्टर मार्केट. कुछ तो आई थिंक 1200 का कुछ तो आता है. टॉकिंग अबाउट द डैशबोर्ड एंड द इंस्ट्रूमेंट कॉन्सोल, इट्स क्वाइट बेसिक. एज यू कैन सी यू हैव दिस थिंग. ये देख के काफ़ी आपको अलग लगेगा. अभी ये मैं इसको निकालता हूँ, पहले मैं गाड़ी को बंद कर देता हूँ. ये ऐसे इसको निकालना होता है, तो दिस इज़ रिमूवेबल. तो ये एक रीज़न है जिसकी वजह से इन्होंने ऐसे रिमूवेबल इसको किया, बिकॉज अर्लियर दीज थिंग्स यूज टू बी स्टोलन. यानी जो पैनल जो प्लेयर होता था वो उन लोग चोरी करते थे. तो कंपनीज लाइक फॉर्ड एंड ऑल, काफ़ी सारे कंपनीज, दे स्टार्टेड मेकिंग दिस लाइक दिस रिमूवेबल यूनिट, जिससे कि आप अभी गाड़ी पार्क किए, आप इसको निकाल के, एक इसका एक डब्बा भी आता है, वो आपको डब्बा, ये इसका ग्लव बॉक्स देख लीजिए, उससे उसी बहाने ये ग्लव बॉक्स भी काफ़ी अच्छा है, डीप है, लेकिन सिंगल है, ऐसे कोई ऐसा एक्स्ट्रा नहीं है. एक सिंगल बड़ा एक ग्लव बॉक्स है, एंड काफ़ी अच्छी स्पेस है. मुझे काफ़ी फ़ायदा हुआ ये ग्लव बॉक्स के वजह से. एंड यहाँ पे थोड़ा सा एक नॉर्मल सा स्पेस है. तो ये इसका बॉक्स है, तो ये सोनी का, दिस इज़ लाइक द ओरिजिनल थिंग. मतलब ये कोई मैंने इसको अपग्रेड या कुछ ऐसे कुछ वैसे कुछ किया नहीं, जैसे गाड़ी के साथ आया था वही है. ऐसे ये हो गई अपने, अरे ये क्यों रख रहा हूँ मैं इसको, ऐसे आपको डेमोन्स्ट्रेशन पर्पसेस के लिए मैंने दिखा दिया ये. आई जस्ट कीप इट राइट हियर. एंड व्हाट एल्स, दीज आर दी एसी कंट्रोल्स, अप डाउन जितना भी है गाड़ी में उस वक्त के लिए, दिस वॉज लाइक मोर देन इनफ. और ये यहाँ पे विंडोज़ के लिए, पावर विंडोज़ के लिए वहाँ पे भी एक स्विच है. वो ऐसी बात है. आगे का मैं और कुछ रह गया कि नहीं मैं सोच रहा. हाँ, ये अपना IRVM, एंड ये मैं ज़्यादा इसको हाथ में लगाता हूँ, जैसा है वैसे रखता हूँ. एंड ये अपने ORVM, ये ORVMs के बारे में तो आपको मैंने पहले से ही बता दिया कि ये मुझे क्यों पसंद है. काफ़ी अच्छा
सिंपल सा इसका फीचर है, ये ऐसा नॉब है ओल्ड स्कूल ले लेंगे ऐसे। तो ये चीज़ों में ही मैं लाइक आई एम रियली हैप्पी, ऐसे मुझे कुछ ज़्यादा फ़र्क ही नहीं पड़ता है ये सब, इट्स जस्ट गुड इनफ। ये देखिए ऐसा एंगल वेंगल आप मस्त आपके हिसाब से चेंज कर सकते हो। एंड व्हाट एल्स डू आई नीड टू शो यू, एंड देयर इज दिस ग्रैब हैंडल राइट हियर, ये मेरे पास नहीं है यहाँ पे, ये पता नहीं क्यों कॉस्ट कटिंग यहाँ पे ज़रूरत नहीं है क्योंकि मेरे हाथ में स्टीयरिंग है ऐसे। तो एनीवेज अभी मैं अभी पीछे चले जाता हूँ, ये आपको स्पेसेस तो दिखा दिए, हाँ ये स्पेस नहीं दिखाया आपको, ये छोटा सा यहाँ पे कॉइन्स वॉइन्स के लिए है, तो ये मुझे ये समझा नहीं आज तक ये किसके लिए था, शायद कुछ बॉटल वॉटल रखने की, बट आई एक छोटी सी बॉटल रखने के लिए हो गई है, बट मैं यहाँ पे क्या मोबाइल वोबाइल ऐसे आज तक रखता था ऐसे। एंड यू हैव योर एसी का बटन हियर, और ये इंटरनल सर्कुलेशन के लिए, एयर सर्कुलेशन के लिए, और यहाँ पे फॉग लैम्प्स का भी, फॉग लैम्प्स तो मेरे गाड़ी में अभी उड़ चुके हैं तो वो उसका कुछ यूज़ नहीं होता मुझे। एंड यू हैव योर एसी का जो ये रहता है डायरेक्शन, वो भी वो करने के लिए ये स्विच है, एंड यहाँ पे हीटर के लिए वो है, तो ब्लोअर एंड ऑल, तो ये यहाँ पे इसका ब्लोअर का है। ओके एंड दैट्स इट, दिस आर द प्रीटी मच द बेसिक फीचर्स। आई वाज नेवर अ फीचर क्रेजी काइंड ऑफ अ पर्सन, सिर्फ मुझे बेसिक फीचर्स पसंद आते थे, और गाड़ी का परफॉर्मेंस मेन था, कैसे मुझे मज़ा आ रहा है कि नहीं वो मेन था, इसी वजह से मैं ज़्यादा ये सब चीज़ों में घुसता नहीं हूँ। लेकिन आपके लिए मैं अभी एज अ मेमोरी ये मैं आपको ऐसे ही दिखा रहा हूँ कि ये हमेशा के लिए ये वीडियो रहे मेरे पास भी, कभी ये गाड़ी मेरे पास रहे ना रहे, क्योंकि अभी नई गाड़ी आ गई है। तो यहाँ पे एक एस्ट्रे भी था, वो बोलते बोलते मैं भूल गया आपको, तो ये देखिए बहुत टाइट था, तो ये एस्ट्रे है, तो ये पता नहीं आजकल की कार्स में होता है कि नहीं, लेकिन इसमें ये एस्ट्रे भी है। एंड यू हैव दिस लिटिल चार्जिंग का सॉकेट यहाँ पे, ये यहाँ पे बेसिक सा पैनल है, आपको इसमें RPM दिखता है, देन योर स्पीड, और अभी किलोमीटर्स कितने हुए, 85,018 किलोमीटर्स, फ्यूल एंड बाकी इंजन का कितना हीट हुआ है क्या हुआ है वो। हाँ बाकी तो अभी आपको म्यूज़िक सिस्टम बता देता हूँ, म्यूज़िक सिस्टम तो अभी इसमें एक स्पीकर यहाँ पे, एक स्पीकर वहाँ पे, और पीछे दो स्पीकर्स है, तो काफ़ी अच्छा यू नो सराउंड काइंड ऑफ साउंड आता है, नाइस सोनी का सिस्टम था, FM रेडियो, एंड यू कैन इवन यू नो कनेक्ट योर MP3 डिवाइस टू दिस। इसमें ब्लूटूथ का फंक्शन नहीं था, वो एक है, और इसमें CD चेंजर था, तो यहाँ पे CD डालने की जगह है ये, ऐसा ये कुछ इसका सिस्टम है। तो इसको अभी मैं ऑफ़ कर देता हूँ, ऑफ़ ओके। तो इसमें अपने को टाइम भी पता चल रहा है, ये टाइम थोड़ा मुझे सेट करना पड़ेगा, इतना टाइम नहीं हुआ है, तो वैसे तो मैं कभी ऐसे आई डोंट यूज़ दैट ना, दैट्स व्हाई, तो फ़र्क नहीं पड़ता है। तो चलो फिर अभी पीछे जाते हैं, इतना तो आगे का काफ़ी मैंने बता दिया, फिर भी एक दो चीज़ें कुछ मिसिंग रहेगी, बाद में बता दूंगा। तो ये हम आ गए पीछे, तो पीछे ये मेरी बैग है, तो बैग को मैं आगे रख देता हूँ थोड़ी देर के लिए, और टेडी बेयर को रहने देते हैं, ये तब से है यू नो इतने सालों से वो है गाड़ी में, तो इसके लिए उसको हिलाया नहीं है। ये कुछ अंदर से ऐसे दिखती है, दीज आर अपने फैब्रिक या आप कह सकते कवर है, लेकिन बट दिस इज़ क्वाइट दिस सोफ़ा का कवर कैसे रहता है, वो कॉटन टाइप वैसे है, एकदम काफ़ी कंफर्टेबल है, एंड दैट्स वाई मैंने कभी इसको चेंज नहीं किया, कभी इसको वो जो रेगजिन वेगजिन के आते हैं या फिर लेदर वैसे नहीं किया मैंने। दिस इज़ क्वाइट अ होमली, अच्छा फीलिंग आता है, और अंदर बैठ आप देख सकते हो अंदर कितना स्पेशियस लग रहा होगा, तो दैट वॉज द USP ऑफ दिस कार, दिस इज़ क्वाइट यू नो दिस इज़ वन ऑफ द USPs, इज़ वेरी स्पेशियस। ऐसे अभी मैंने ये मेरी आगे की सीट बहुत पीछे की है, इसी वजह से थोड़ा सा ये देखो ये बहुत बहुत मैंने पीछे कर लिए, तो इसको मैं थोड़ा सा आगे कर लेता हूँ, हो गया ओके। सो नाउ यू कैन सी द स्पेस बैक हियर, सो ये देखिए तो पीछे जो बैठते हैं ना ये गाड़ी में, दे रियली हैव अ नाइस टाइम, बिकॉज इतना ये आपको मैं ये वीडियो के माध्यम से आपको पता चल रहा है कि नहीं पता नहीं, लेकिन जस्ट द एरीनेस एंड द रूमीनेस इन दिस कार, और इसका जो इंटीरियर है ये बेज कलर का, दैट रियली मेक्स अ ह्यूज डिफरेंस। इन एडिशन ऑलरेडी ये गाड़ी ऑलरेडी स्पेशियस है, और ये कलरिंग जो है इसके वजह से और स्पेशियस यू नो आपको फील आता है। तो यहाँ पे पीछे ऐसे कुछ है, तो इसको बाजू में कर दें, अरे मेरा कब से ढूंढ रहा हूँ ये मेरे गॉगल्स यहाँ पे, और यहाँ पे सिस्टम है सोनी का, ये स्पीकर इसको रख देते हैं, इसको भी यहाँ पे
रख देते हैं, बाद में दिखेगा अपने को अभी। और वहाँ पे भी पीछे भी एक स्पीकर है, वो देखिए। और ये एक लाइट है, रीडिंग लाइट, ये कार में आती है, ठीक है। दिस इज़ अ वेरी नाइस फीचर इन द कार। ये देखिए ये लाइट। सो देखो, मेरी अभी ह्यूंडई की कार जो है वेन्यू, उसमें बीच में यहाँ पे लाइट है, यहाँ पे ऊपर रूफ में, लेकिन वहाँ पे नहीं है जो ड्राइवर सीट के यहाँ पे। तो ये फोर्ड की कार में देखिए, लाइट वहाँ पे भी है और एक यहाँ पे भी है। तो ये बहुत सोच समझ के ये गाड़ी बहुत अच्छे से बनाई है, कोई ऐसे शॉर्ट कमिंग्स नहीं थे उस इस कार में उस वक्त। ये छोटे से यहाँ पे हेडरेस्ट भी है, ये भी काफ़ी अच्छे। तो ये यहाँ पे ये बेसिक से कवर्स लगाए हुए है, लेकिन ये काफ़ी यूज़फुल है। अभी मैंने नए कार में ना ऐसा ऑर्गेनाइज़र लिया है, वो भी यूज़फुल है, लेकिन ये भी अच्छे खासे यू नो क्वाइट फंक्शनल। और यहाँ पे बहुत अच्छी जगह मिलती है, ये पूरा सामान वामान बहुत अच्छे से यहाँ पे अंदर रहता है। ऐसे मज़ा आ गया मेरे को एक्चुअल में, आपके वजह से मैंने आपके लिए ये वीडियो बनाया। लेकिन मुझे अभी खुद को ही इतना अच्छा लग रहा है देख के ना गाड़ी, इवन मैंने अभी खुद ने ऐसे कभी अच्छे से इसके डिटेल्स जैसे मैं देखे नहीं। जो भी बैठता था पीछे, यू नो दे ओनली न्यू कि हाउ नाइस इट फील्स बैक पीछे यहाँ पे। मुझे मौका काफ़ी कम मिला इस कार में ऐसे पीछे बैठने का, लेकिन अभी मैं बैठा हूँ तो ऐसा लग रहा है मैं बाहर ही मत निकलूँ। इतना अच्छा लग रहा है। तो यहाँ पे देखिए ये ग्रैब हैंडल्स है यहाँ पे और यहाँ पे भी ये अपने ये विंडो के पावर विंडोज़ के स्विचेस है, और वहाँ पे भी है। तो ऐसे है, बाकी और कुछ नहीं। यहाँ पे स्टोरेज स्पेसेस का दिखा दिया आपको। सो नाउ आई विल मूव ऑन टू द रियर एंड ऑफ द कार, विच इज़ सम पीपल लव द रियर एंड ऑफ द कार। तो ये इसका अभी बूट खोल देते हैं, ये बूट खुल गया। तो अभी बूट में बहुत कुछ है, आप देख सकते हो इसका बूट बहुत बड़ा है दोस्तों, बहुत सामान रहता है इसमें। अभी इसमें थोड़ा सा आईकिया का सामान है, अनऑर्गेनाइज कुछ सामान है इसमें, आप समझ सकते हो। तो कितना लीटर है यहाँ पे मैं लिख दूंगा, आपको पता चलेगा। तो ये फिलहाल हम टेम्परेरीली यहाँ पे इसमें रख देते हैं। तो दिस इज़ द बूट, और बूट में ना देर यूज्ड टू बी अ लाइट जो अभी जल नहीं रही है, पता नहीं कहाँ पे, या रात को जलती है। ठीक है, तो ऐसे कुछ दिखता है ये, बस काफ़ी बेसिक सा है, लेकिन बहुत स्पेशियस जगह वाला बूट है। यप, नाइस थर्ड साउंड, ऐसे आपको बिल्कुल ऐसा फ्लिम्सी नहीं लगेगा, यू नो इतना इसका बिल्ड क्वालिटी जो है ना गाइज, दिस कार हैज़ वन ऑफ द बेस्ट बिल्ड क्वालिटीज इवन बाय टुडेज स्टैंडर्ड्स, ऐसे मुझे लगता है। सिर्फ एयरबैग्स की कमी है लेकिन बाकी दिस इज़ लाइक अ बिल्ट लाइक अ टैंक। ऐसे आपको ऐसा फील ही नहीं आएगा कि कहीं पे पतरा हल्का है या कुछ है, दिस इज़ दैट काइंड ऑफ अ कार। और यहाँ पे मेरा माउंट होता था एक्शन कैमरा के लिए, कभी मैं बाहर ट्रिप पे जाता था तब। आगे का आपको दिखाई दिया मैंने, सच अ नाइस लुक टू द कार, रियली गिव्स अ प्रीमियम काइंड ऑफ लुक वॉट एवर दे हैव डन। यहाँ पे थोड़ा सा फैब्रिक टच है, यहाँ पे लेदर के जैसे फिनिश है, इट लुक्स नाइस इवन टुडे, यू नो इट लुक्स रेलेवेंट। और मैं सोच रहा हूँ मैं कुछ रह तो नहीं गया ना, क्योंकि मैं दूर जाके आता हूँ यहाँ पे। दूर जाने के बाद मुझे कुछ आइडिया आएगा, कुछ रह तो नहीं गया। ऐसे दूर से देखोगे ना गाड़ी को तो उनको आइडिया आएगा। अरे हाँ, कीज़ का आपको मैं दिखाया नहीं, इस गाड़ी के कीज़ कुछ ऐसे दिखते हैं, ये फोर्ड के कीज़ काफ़ी ओल्ड स्कूल, देयर इज नो रिमोट, ये अपने ऐसे ही मैनुअल ऐसे टाइप का इसका हिसाब किताब है। अरे हाँ, एक चीज़ तो मैंने दिखाया नहीं आपको, यहाँ पे ये नहीं दिखाया, ये इंडिकेटर इसका यहाँ पे है, वो एक अच्छा है। ये मैं खुद भूल गया था इधर था इंडिकेटर इतने सालों के बाद। तो ऐसा है, बाकी तो दीज थिंग्स, दीज क्रोम हैंडल्स ये मैंने लगाए थे, दिस इज़ आफ्टर मार्केट, वो मिलते हैं, लेकिन
आफ्टर पीरियड ऑफ टाइम लाइक आफ्टर टू थ्री ईयर्स देर विल बी दिस पिटिंग एंड ये थोड़ा सा इसका फेड हो जाता है, लेकिन फिर भी अच्छे लग रहे हैं, मतलब इतना भी बुरा नहीं लग रहा है, अच्छा लग रहा है। एंड देन यहाँ पे मैंने वैसे ही क्रोम के मैं कवर्स लगाए थे, दिस इज माई कार गाइस। हाँ मैं थक गया यार, इतना मैंने सोचा नहीं था कि इतना सारा टाइम जाएगा ये गाड़ी के पीछे, लेकिन ये गाड़ी है ही ऐसी, अपनी यू नो सेंटिमेंटल वैल्यू, इमोशनल वैल्यू है इस यू नो गाड़ी की मेरे लाइफ में, तो इसी वजह से चलो फिर लेट्स मूव। अरे हाँ और एक चीज़ भूल गया मैं, यहाँ पे पीछे ये लाइट है, ये भी मस्त दिखती है, रात को मस्त लुक आता है इसका, मैं हो सके तो दिखा दूंगा कैसे लग रही है। अब रह गई बात तो वो है इसकी बिल्ड क्वालिटी। बिल्ड क्वालिटी मैंने आपको बीच बीच में आपको समझा ही दिया कि कैसी बिल्ड क्वालिटी है गाड़ी की, शीट मेटल इज थिक कम्पेयर टू अदर कार्स, इन्होंने कुछ ऐसा कॉम्प्रोमाइज़ नहीं किया कि कार को हल्का बना, बिकॉज मोस्ट ऑफ द कार्स कार मेकर्स व्हाट दे डू इज दे मेक द कार लाइटर, गाड़ी हल्की होने की वजह से वो माइलेज ज़्यादा देती है, बट ऐसे इन्होंने ये कार के साथ नहीं किया, यू नो बिकॉज हल्की कार इज़ अनसेफ, दे कार शुड बी लाइक दिस विद अप्रोप्रिएट विद एडिक्वेट अमाउंट ऑफ शीट मेटल थिकनेस इनकॉर्पोरेटेड इन टू इट। और इसका जो फ्रेम है दैट इज़ ऑल्सो, इसका जो जो प्रोसेस हुआ करता था ना पहले के टाइम, दैट प्रोसेस इज़ ऑल्सो वेरी हाई टेक कम्पेयर टू वॉट अभी आजकल, तो लोग बोलेंगे कि हाँ आजकल का प्रोसेस हाईटेक है, लेकिन अभी कैसा है ना, द स्ट्रक्चरल इंटेग्रिटी ऑफ अ कार इज़ द मेन थिंग, द फ्रेमवर्क, द बिल्ड, एवरीथिंग। ये अभी उस वक्त वेट का इश्यूज इतना नहीं हुआ करता था, लेकिन अभी क्या है कंपनीज को जो कस्टमर्स है उनको ज़्यादा माइलेज देने वाली कार्स देनी होती है, तो वो लोग कैसे ना कैसे कहीं ना कहीं से वो वेट कम करते जाते हैं, बॉडी का फ्रेम का वेट कम करते हैं, इधर से वो निकाल उधर से वो निकाल ऐसा थोड़ा सा हल्का हल्का करते करते दे ट्राई टू रिड्यूस द वेट एंड इंक्रीज द माइलेज फिगर्स, बट दैट इज़ नॉट सेफ। और फिर बाद में क्या करते हैं, उसमें एयर बैग्स दे देते हैं जस्ट टू कॉम्पनसेट एंड ऑल ऐसे। तो ये चीज़ें ऐसी हैं ना, अभी एक कार में मेरे साथ एक भी बड़ा एक्सीडेंट कभी हुआ नहीं है, दैट इज़ द काइंड ऑफ यू नो कार इट इज़, एंड जो भी इसका जो स्टेबिलिटी है एवरीथिंग वाज वेरी गुड, एंड मुझे कुछ ऐसा टेंशन आता ही नहीं था। तो यहाँ पे थोड़ा सा यहाँ पे डेंट वेंट दिखेगा आपको, ये भी अभी रिसेंटली हुआ था, एक ट्रक है वो जो गार्बेज ट्रक्स होते हैं वो, उसने यहाँ पे थोड़ा सा डेंट दिया था, और यहाँ पे तो आपको पता भी नहीं चलेगा, यहाँ पे भी एक ट्रक ने ठोका था इस जगह पर, एंड राइट हियर यहाँ पे, एंड इट वॉज नॉट अ स्मॉल ट्रक, इट वॉज अ बिग ट्रक ऑन द वेस्टर्न एक्सप्रेस हाईवे, और यहाँ पे सिर्फ ऐसा पेंट स्क्रेप हुआ था उसका, हाँ, और उसको पेंट करके फिर हो गया वो ऐसे ना, कोई दूसरी गाड़ी होती तो इट वुड हैव लाइक लिटरली पुश थ्रू इनसाइड। दिस इज द यू नो बिल्ड क्वालिटी ऑफ दिस कार, सेम गोज फॉर द इसका जो ग्लास है, सेम थिंग, लाइक वेरी गुड ड्यूरेबल स्टडी काइंड ऑफ ग्लास। सो ये थी बात है इस कार की ऑन द एक्सटर्नल एंड ऑन द इंटरनल, तो अभी विदाउट वेस्टिंग एनी फर्दर टाइम लेट्स मूव। ऑलराइट सो गाइस, तो अभी इस कार का लेता हूँ मैं शॉर्ट ड्राइव, एंड आपको चलाते चलाते मैं समझाता हूँ इस कार के थोड़े बहुत स्टोरीज जो है। तो ये हम निकल पड़े हैं, एक सेकेंड, मैं पहले एक चीज़ करने को भूल गया, एक मिनट, देयर इज समथिंग विच आई फॉरगॉट टू डू। यहाँ पे मैंने जैसे कहा यहाँ पे थोड़ा सा ये लूज है, तो उसके वजह से वो आवाज़ यहाँ पे आती रहेगी, तो वो ना आए इसी वजह से हमको पहले ही थोड़ा सा यहाँ पे जुगाड़ कर देना पड़ेगा, एंड वो जुगाड़ यहाँ पे है मेरे पास। दिस इज होपफुली इट विल स्टे ओके, सो यस विदाउट वेस्टिंग इट फॉर द टाइम लेट्स मूव। थोड़ा सीट थोड़ा पीछे करके, हाँ नाउ मच बेटर, ऑल राइट। So, इस कार को जोश मशीन बोलते थे, वो एक रीजन था इसके लिए, बिकॉज इसमें जो रॉ पावर थी गाड़ी में ना वो किसी कार में नहीं थी,
ऐसा मुझे लगता है, बिकॉज मैंने भी जब इसको चलाया, हाईवे पे होने दो, सिटी में होने दो, ये गाड़ी ऐसी है ना, आपको जैसे चाहिए वैसे वो चलती है, समझ रहे हो? देयर इज नॉट, अभी आजकल कैसे रहता है, गाड़ी मोस्ट ऑफ द टाइम फीडबैक इनपुट्स देती है, या गाड़ी डिसाइड करती है कि कितना, मतलब बहुत ज़्यादा कंप्यूटर सॉफ्टवेयर का ज़्यादा ये रहता है, क्या बोलते हैं उसको, इनपुट. बट इन दिस कार, दिस वॉज अ कम्प्लीटली अ ड्राइवर ओरिएंटेड कार, और अगर वो ड्राइवर बहुत ही एडवेंचरस है तो ये गाड़ी उसके लिए एक गिफ्ट, बहुत बड़ा गिफ्ट है. तो मैं ये कहना चाहता हूँ कि जो भी कार फैनेटिक्स है, दे वुड लव दिस कार, बिकॉज इसके इसका जो कैरेक्टर है ना, बहुत ही रियलिस्टिक एंड बहुत ही ऐसा फेक पर्सनैलिटी वाली कार नहीं है. जो इन्होंने इसको मार्केट किया था वो बहुत ही सच था, क्योंकि बहुत बार ऐसे होता है कि लोग मार्केटिंग करते हैं किसी चीज़ का, लेकिन वो चीज़ वैसे होती नहीं. बट इन द केस ऑफ द फोर्ड आइकॉन, इट वॉज दैट थिंग. मेरे इतने सारे मेमरीज थे ना ये गाड़ी के साथ यार, मैं आपको क्या बताऊँ. एंड इस गाड़ी ने मुझे बहुत सपोर्ट किया, एवरी सिंगल ट्रिप, एवरी वेयर आई वेंट, इट वॉज जस्ट अमेजिंग. अभी थोड़ी सी बुढ़ी हो गई है ये, लेकिन फिर भी लाइक आई एम ट्राइंग माई बेस्ट टू होल्ड ऑन टू इट एज मच एज आई कैन. भले इसमें मेरा थोड़ा सा नुकसान हो, लेकिन चलेगा. बट दिस कार हैज गिवन मी अ लॉट ऑफ मेमोरीज. आई हैव लाइक मेरी ग्रैंड मदर को मैंने पहली बार इस गाड़ी में घुमाया. फिर हम कहाँ कहाँ गए, मैं राजस्थान तक लेके गया था ये गाड़ी को, फुल ऑफ मेमोरीज. तो खराब खराब रास्तों पे इस गाड़ी को लेके गया मैं. एंड कभी मुझे इस गाड़ी ने ऐसे सिचुएशन में नहीं डाला कि लाइफ एंड डेथ सिचुएशन में, हमेशा उसमें से मुझे बाहर निकाला. तो दैट इज़ वाई आई जस्ट लव दिस कार, एंड यू नो ब्यूटिफुल. है ना, रिसेंट मेरे राजस्थान के वीडियोज़ आपने अगर नहीं देखे हैं, तो मैं मुंबई से राजस्थान इसी गाड़ी में गया हूँ. एंड उसका मैं पूरा, मैं जहाँ जहाँ कहीं घूमा हूँ ये गाड़ी में, सब मैंने उसमें वो सीरीज़ में डाले. अराउंड 24 वीडियोज़ हैं. एंड एवरी वेयर दिस कार टुक मी, ऑन द माउंटेन्स, ऑन द बैड रोड्स एंड खड्डास. बट अरे बाप रे, तो ऐसी बात है गाइस. और इसके बाद आप अगर कोई दूसरी गाड़ी चलाओगे तो आपको वो ऐसी थोड़ी सी कमी फील होगी कि अरे यार, ये जो फोर्ड आइकॉन थी ये कितनी ज़बरदस्त थी, ऐसे आपको फील. लेकिन क्या है ना, थोड़ा सा आपको कॉम्प्रोमाइज़ करना पड़ता है, बिकॉज अभी टेक्नोलॉजी जैसे इनकॉर्पोरेट हो जाती है कार में, तो थोड़ा आपका जो ह्यूमन एलिमेंट है या फिर जो मैकेनिक्स है गाड़ी का, वो थोड़ा कंट्रोल में आ जाता है. एंड आपको वो जैसा रॉ पावर, वो आपको किसी भी गाड़ी में नहीं मिलता है आज के टाइम में. तो वो मसल कार्स होते हैं. आई थिंक फोर्ड अभी कंपनी बंद करके जाएगा, और फिर वो सिर्फ जो 1-1 करोड़ की जो उसकी कार्स है, यानी अपनी जो मस्टैंग है, मसल कार है, उसकी ही प्रोडक्शन वो चालू रखे, ऐसे मैंने सुना है. लेकिन बाकी सब जो कार्स है जो सस्ते में आते हैं, वो सब बंद हो जाएंगे. तो वैसे बाकी तो स्पेयर पार्ट्स आई थिंक वो 10 साल तक रहेंगे, लेकिन आई डोंट नो व्हाट द फ्यूचर होल्ड्स फॉर यू नो, कोई कुछ बता नहीं सकते यार अभी क्या आगे हो जाए. तो ऐसा है. तो वैसे तो बहुत मुझे मज़ा, मैं अभी थोड़ा सा मेरा ड्राइविंग स्टाइल थोड़ा चेंज कर दिया हूँ इस गाड़ी को चलाने के लिए. बिकॉज देखो, आपको समझना चाहिए कि जैसे आपकी व्हीकल जैसे एज हो जाती है ना, तो उसको आप वैसे नहीं चला सकते जो आप पहले यू नो चलाते थे. बिकॉज वैसे अगर चलाने जाओगे तो देर इज़ बाउंड टू बी सम इश्यू दैट विल क्रीप इन, सम इश्यू माइट क्रीप इन, एंड फिर बाद में उसको ठीक कराने जाओ एंड ऑल, आपको स्पेयर पार्ट्स नहीं मिले एंड ऑल, वो सब चीज़ें अगर अवॉइड करनी है तो इसको प्यार से चलाओ. आपके पास पुरानी गाड़ी रहेगी, जस्ट यूज़ इट फॉर योर पर्पस, जस्ट डोंट बिहेव लाइक अ सुपर हीरो. मैं सुपर हीरो जैसे बिहेव करता था ये गाड़ी में. और बस अभी नहीं, अभी मैं अपने आराम से चलाता हूँ. ज़्यादा मैं
इसको खींचता नहीं हूँ। तो ये गाड़ी ऐसी है ना कि ये आपको ऐसे बुलाती है, खींचना, अरे खींच ऐसे ऐसे करती है, तो कभी कभी मुश्किल हो जाता है, बट हम कंट्रोल में रहते हैं, संयम रखते हैं हम ऐसे। तो दोस्तों ऐसा है, ये उम्मीद करता हूँ आपको मेरा आज का वीडियो पसंद आया हो। अगर पसंद आया तो डेफिनेटली इधर लाइक बटन, शेयर करो, सब्सक्राइब करो और बेल आइकन को ज़रूर दबा दो, क्योंकि बेल आइकन दबाने से आपको मेरे वीडियो के नोटिफिकेशंस जल्द से जल्द मिलेंगे। तो अभी मैं जो शूट कर रहा हूँ, थोड़े से ऐसे बोनस शॉट्स शूट कर रहा हूँ, ये छोटा सा ड्राइव, वाह मजा आ गया। चलो मैंने सब्सक्राइबर्स या जो कार के दीवाने हैं उनके लिए मैंने ये वीडियो बनाया, लेकिन मज़ा मुझे आया बनाने, और ये एक काफ़ी एक अच्छी बात है। मोस्ट ऑफ द टाइम्स वीडियो बनाना मतलब एक इट्स लाइक काम के जैसे होता है, यू नो यू हैव टू, बहुत सारा प्रेशर रहता है, अरे कैसे वैसे, लेकिन ऐसी ऐसी कुछ चीज़ रहती है ना अपनी ये फोर्ड आइकॉन जैसी, तो ऐसा बहुत मज़ा आता है, टाइम कैसे निकलता है वो पता नहीं चलता है। एक वक्त ऐसा था कि ये गाड़ी का जो साइलेंसर है, इसका साउंड है ना ऐसा मसल कार, एकदम लाइक स्पोर्ट्स कार आता था। आफ्टर मार्केट एग्जॉस्ट जो आप लगाते हो वो भी अवॉइड करना चाहिए, दैट इज़ ऑल्सो नॉट गुड। जो कार का जो स्टॉक एग्जॉस्ट रहता है, जो स्टॉक मशीनरी रहती है ना, वही सबसे बेस्ट होती है फॉर द लॉन्ग लाइफ ऑफ योर कार। आज सच में लेकिन बहुत मज़ा आया मुझे गाड़ी चला के। जितने भी बार ये गाड़ी हाईवे पे गई है, ओ माई गॉड, माइंड ब्लोइंग, ऑलवेज इम्प्रेस्ड। ऐसे ऐसे टाइम आया कि स्कोडा वोडा की गाड़ी होती थी, फोक्स वैगन एंड ऑल, उसको भी लाइक बहुत अच्छे से टक्कर देती थी। फोक्स वैगन को तो इतने बार यू नो पीछे भी डाला इस गाड़ी ने, लेकिन ये गाड़ी में एक खासियत ये है कि आपको वो फील नहीं होता है कि आप इतने स्पीड में जा रहे हो, एंड दैट इज़ मेनली गॉट टू डू विद द वेट ऑफ द कार और द स्टेबिलिटी और द एंटायर डिज़ाइन इज सच दैट इट डजेंट मेक यू फील दैट यू आर ड्राइविंग एट सच अ हाई स्पीड। ये जो कॉर्नरिंग एंड ऑल होता है, ये तो भाई ये तो इसमें भी इतना ये कॉन्फिडेंस इंस्पायरिंग गाड़ी है कि मतलब आपको ऐसे कभी फील ही नहीं होगा कि आपकी गाड़ी कंट्रोल में से जा रही है या कुछ। बॉडी रोल एंड ऑल वो सब मुझे ऐसे कभी इस कार में कभी ऐसे फील हुआ ही नहीं। ऐसे मुझे लग रहा है कि ये कार को मैं और रखूँ मेरे पास, यू नो बहुत बहुत सालों तक और रखूँ। मैं कोशिश तो कर रहा हूँ, पर अब देखते हैं, भगवान जाने अभी कितना और टाइम मैं इसको रख सकता हूँ। वापस यहाँ पे प्रेस करके, अच्छा है साउंड। और अच्छा दोस्तों देखिए, मैं सेकंड पार्ट शूट कर रहा हूँ ये टेस्ट ड्राइव का थोड़ा, तो अभी मैं उस फुटेज में मैंने थोड़ा फास्ट नहीं चलाया था, तो अभी मैं इसमें थोड़ा फास्ट चलाता हूँ। ये मैं भी काफ़ी ठीक ठाक स्पीड पे चला रहा हूँ, एंड जस्ट फील्स गुड। तो जैसे कि मैंने वीडियो के दौरान आपको बताया कि मैं ये गाड़ी को ये ठोक ही देता था मैं पीछे इसको, अच्छा वो इसका ब्रेक अच्छे से काम कर रहा है। रेयरली आपको ऐसा लगेगा कि ये आपके कंट्रोल से जा रही है या कुछ, इसकी जो स्टेबिलिटी ऐसी है ना गाड़ी की कि आपको वो वैसे मौके आएंगे ही नहीं। हाई स्पीड होने दो, खड्डे होने दो, कोई भी टाइप का रास्ता होने दो, तो स्पेशली ऐसे अभी मैंने अभी दिखाया कैसे ब्रेकिंग एंड ऑल, ये बहुत ही, इसमें कुछ ऐसा ABS ऐसा कुछ है नहीं, कुछ नहीं है, एंड फिर भी एक यू हैव दैट कॉन्फिडेंस इन यू दैट ये गाड़ी उसको झेल लेगी। और मेरे साथ ऐसे बहुत सारे इंस्टेंसेस हुए हैं जिसमें आई कुड हैव इजीली गॉन ऑफ कोर्स, जब नई नई गाड़ी रहती है, जैसे कि मैंने पहले बताया कि मैंने डायरेक्टली ये सेडान मेरी फर्स्ट कार थी, तो ऐसे ऐसे मौके थे कि मैं डिवाइडर के उस तरफ चले जाता था, लेकिन लास्ट मोमेंट में
आई जस्ट यू नो ये जो चीज़ है लाइक इट जस्ट इट इज़ वेरी मार्जिनल होता है लेकिन उसमें आपको पता चल जाता है कि द कार इज बिल्ट इन सच अ वे दैट इट कमांड्स दैट रोड प्रेजेंस एंड दैट यू नो दैट लास्ट स्प्लिट सेकेंड जो डिसीजन होता है उसमें ये आपको बहुत हेल्प कर देती है एंड दैट इज़ अ यूएसपी ऑफ दिस कार अपार्ट फ्रॉम बीइंग दिस पावरफुल मशीन इट इज़ वेरी कंट्रोलेबल एंड स्टेबल एंड दैट्स अ वेरी इम्पोर्टेंट मेरे को जाने दो थैंक यू तो अभी ये बहुत आराम से चला रहा है ये देख कहाँ से गुस्सा देख दीज आर द थिंग्स विच यू हैव टू फेस ऑन अ डेली बेसिस ट्रैफिक में मुंबई में ऐसे ही होता है तो आपको ज़्यादा फास्ट चलाने की वो नौबत नहीं आती मोस्ट ऑफ द टाइम्स और अगर आई भी तो भी लाइक वो एक बार मैंने ऐसे ही चला लिया था स्पीड फास्ट में और मेरे को फाइन लग गया था 1000 रुपये का तो ऐसे सब है तो अभी ये देखो ऐसे फ़ोन पे वन पे बात करते हैं तो यस बहुत ही डरावने रास्तों पर मैं ये गाड़ी लेके गया हूँ फॉर एग्जांपल वाइल कमिंग फ्रॉम राजस्थान मैं राजस्थान से आ रहा था तब हुआ ये कि मुझे आना था मुंबई बट मैंने सोचा कि मैं नासिक चले मैंने नासिक में एक सेकंड हाउस है तो मैंने सोचा वहाँ चले जाता हूँ तो नासिक जाने के लिए राजस्थान से ना एक हिल स्टेशन लगता है उसका नाम है सापुतारा इज़ वन ऑफ द लाइक द डेंसेस्ट फॉरेस्ट आई थिंक इन महाराष्ट्र तो गलती कर दी कि मैं रात के वक्त उस जगह से जा रहा था एंड मुझे कुछ आइडिया नहीं था कि रास्ता इतना ख़राब होगा पंक्चर होने के फुल चांसेस थे ये गाड़ी पे जो टायर्स हैं वो ट्यूबलेस भी नहीं है तो ऐसे रास्तों पर मैंने रात को यू नो आधी रात को मैंने गाड़ी चलाई है एंड बहुत सपोर्ट किया गाड़ी ने भाई और वहाँ पे रास्ते जो होते हैं वो ऐसे वाइंडिंग होते हैं एक लाइक अ स्नेक और रास्ते में सांप वाप भी दिखते हैं तो इट वाज दैट काइंड ऑफ सिचुएशन एंड आपको रास्ता नहीं दिख रहा है वहाँ पे लाइट्स नहीं है अच्छे से कुछ नहीं है तो ये सारी चीज़ों में से ये गाड़ी ने इतना यू नो कॉन्फिडेंस दिया और ऐसे एक ही इंस्टेंस नहीं है ऐसे बहुत सारे इंस्टेंसेस है जहाँ पे ये गाड़ी को मैं लेके गया हूँ और ये गाड़ी एकदम फर्स्ट क्लास नहीं मतलब टॉपर जैसे पास हुई है तो अभी मैं बात करता हूँ मेंटेनेंस के बारे में मेंटेनेंस का मैंने आपको पहले ही बता दिया यही एक पॉइंट है कि इसमें गाड़ी का कुछ फॉल्ट नहीं है फॉल्ट है कंपनी का फॉर्ड का कि वो लोग ने जो स्पेयर पार्ट्स है वो इतने उसको अच्छे से अवेलेबल नहीं रखे अभी वो लोग बोल रहे हैं कि वो लोग अभी चले जाने वाले हैं इंडिया से लेकिन उनके स्पेयर पार्ट्स मिलेंगे उसमें भी भरोसा नहीं है बिकॉज गाड़ी जब थी तभी स्पेयर पार्ट्स मिलने को भी इतना मुश्किल था इतने महंगे थे कंपनी यहाँ से निकल जाने के बाद क्या स्पेयर पार्ट्स देगी तो ये बात है गाड़ी फर्स्ट क्लास है बढ़िया है लेकिन बैड लक इतना ही है कि स्पेयर पार्ट्स में इन लोग फॉरेन की कंपनी है ये है वो है यूरोपियन कंपनी या ऑब्वियसली बट व्हेन यू आर सेलिंग योर कार इन इंडिया देन एटलीस्ट यू नो डू समथिंग दैट विल मेक इंडियंस हैप्पी यू नो बिकॉज आपका इतना हैवी सर्विसिंग एंड ऑल स्पेयर पार्ट्स ये सब बहुत खर्चे वाला काम हो जाता है तो एनीवेज मैं यहाँ पे थोड़ा सा यहाँ पे लगा देता हूँ एंड और थोड़ा सा बात कर लेते हैं इस जगह पर हाँ तो ये बात है तो आई होप यू अंडरस्टूड व्हाट आई एम ट्राइंग टू से ओवरऑल गाड़ी का कोई फॉल्ट नहीं गाड़ी टॉप क्लास है मस्त देयर इज़ नो डाउट अबाउट इट बट ये छोटी मोटी जो चीज़ें होती है ना गाड़ी में जैसे स्पेयर पार्ट्स ये वो ये सारी चीज़ों की वजह से अपनी ये फोर्ड आइकॉन जैसी कार्स जो एक्चुअल में बहुत अच्छी है बहुत स्टर्डी है ड्यूरेबल दे आर नॉट गोइंग टू बी सीन इन इंडिया लाइक इन द कमिंग ईयर्स अभी आपको मतलब धीरे धीरे जो मार्केट है वो कैप्चर हो जाएगा बाकी कंपनी जैसे किया ये ह्युंडई एंड मारुति सुजुकी तो ऑलरेडी है बट उसका भी थोड़ा सा बैड पब्लिसिटी चल रही है किस वजह से आपको तो पता है तो दीज आर द कंपनीज है होंडा ह्युंडई एंड किया ये सारी ये जो कंपनीज है ये लोग मार्केट को कैप्चर ऑब्वियसली दे कर चुके हैं लेकिन आगे और भी हो जाएगा बिकॉज अभी फोर्ड उनको एक उनका कॉम्पिटिटर अभी इसका इसमें से जाने वाला है या फिर इट इज़ लाइक एक्सपेक्टेड दैट इट इज़ गोइंग टू लीव एज पर द सोर्सेज तो ये बात है गाइस तो उम्मीद करता हूँ आपको आज का वीडियो पसंद आया हो अगर पसंद आया हो देन डेफिनेटली हिट द लाइक बटन
Also, don't forget to follow me on Instagram and Facebook, because on Instagram and Facebook also I share a lot of updates about what I am going to do. तो मैं यहाँ से उतरा और ऐसा ही दिखाने को थोड़ा वीडियो के एंड में. इंस्टाग्राम नहीं तो एटलीस्ट फेसबुक पे फॉलो कर देना, बिकॉज वहाँ पे मैं अपने अपडेट्स ज़्यादातर शेयर करता हूँ. अरे मेरी पैंट नीचे जा रही है. ऑलराइट, सो एनीवेज, दिस वाज द फोर्ड आइकॉन फॉर यू गाइस, मेरी पहली कार. अच्छा लगा आज फाइनली मैंने वीडियो बना दिया फोर्ड आइकॉन का. सो थैंक यू गाइज फॉर वॉचिंग. दिस इज स्वामी बॉन्सिंग, गुड बाय टू ऑल ऑफ यू, अंटिल द नेक्स्ट टाइम, बाय बाय.